ट्रिक नंबर 10, राइट। अगर ये ट्रिक याद हो जाएगा तो इसमें दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। एक सन याद करेंगे और दो क्वेश्चंस क्लियर होगा, पेपर में गलत नहीं होगा। ध्यान रहे, एक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है अगर याद हो गया तो, ठीक है ना। इसलिए पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए, पता नहीं कौन सी लाइन आपकी तकदीर बदल दे, राइट। पढ़ने के बाद अगर याद नहीं होता है ना तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एक चीज़ को कई बार पढ़ने की कोशिश करिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए, ठीक। देखिए, 58 वर्ष वाले टीटी आई, आई मतलब होता है आँखों से, आई से बहुत इंक्वायरी करते हैं। ये जो 58 वर्ष वाले जो टीटी होते हैं ना, 58 वर्ष के जो टीटी होते हैं ट्रेनों में, ठीक, वो आई से यानी आँखों से बहुत इंक्वायरी करते हैं। जैसे कहेंगे कि आप टिकट दिखाइए, ठीक, पूछेंगे टिकट कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है। टिकट दिखाएंगे भी तो कहेंगे आप कहाँ से बैठे थे, साथ में कितने लोग हैं, कहाँ उतरेंगे, ठीक। तो इस तरीके से बहुत पूछाताछी करते हैं, कौन, 58 वर्ष वाले टीटीआई से बहुत इंक्वायरी करते हैं, यानी बड़े ध्यान से देखते हैं, तुम्हारा ही नाम है, अच्छा तुम ही हो, यानी बहुत पूछाताछी करते हैं। तो इस तरीके से होगा क्या, ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद हो जाएगी, 58 से हो जाएगा 1958, ठीक है ना। 58 से क्या होगा, 1958। टी से हो जाएगा टेबल और टी से हो जाएगा टेनिस, यानी कि 1958 में टेबल टेनिस को आई से हो जाएगा एशियाई, राइट। आई से क्या समझना है, एशियाई, राइट, यानी टेबल टेनिस को एशियाई खेलों में सन 1958 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन क्या बनेगा कि टेबल टेनिस को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, तो 1958 में। इंक्वायरी से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्वायरी से बनेगा एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ था, 1958 में। तो वही है, 58 वर्ष वाले टीटी आई से बहुत इंक्वायरी करते हैं। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्लियर हो जाएंगे।